हाय फ्रेंड्स, मैं प्रभासिनी आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरी किचन पे। आज हम बनाएंगे सूजी और बिस्कुट का मिक्स केक। केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 फ्लेवर वाले बिस्कुट लिए हैं, एक पैकेट इनो, एक कप सूजी, 1 ग्लास ऑफ मिल्क, हाफ कप शुगर, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, मैंने यहाँ पर काजू और आलमंड्स लिए हैं, 4 से 5 बड़े चम्मच घी। अब हम सूजी और बिस्कुट का मिक्स केक बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। पहले हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे सूजी, शुगर, बिस्किट्स, डालकर इसको हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। सूजी, बिस्किट्स और शुगर को अच्छी तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे घी, अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। घी अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें धीरे धीरे करके दूध डालेंगे और इसका एक अच्छा सा बैटर बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा ही दूध डालेंगे। अब हम बैटर को 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे क्योंकि सूजी को थोड़ा सा फूलने देंगे। केक को पकाने के लिए मैंने यहाँ पर इडली छाछ को यूज कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर इडली छाछ में 1 लीटर के करीब पानी डालकर इसको गैस के ऊपर बिठा दिया है। अब हम इसके नीचे वाले हिस्से को इसे डालकर इसे ढककर अच्छी तरह से पानी को गर्म होने देंगे। 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम ढक्कन खोलकर सूजी को थोड़ा सा मिला लेंगे। देखिए सूजी हमारी अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब हम इसमें और थोड़ी सी दूध डालेंगे, इसको थोड़ा सा पतला बनाएंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेने के बाद हम इसमें डालेंगे इनो, जिस बर्तन में हमें केक की बैटर को डालना है उसको हम पहले से ही मैंने ऐसे घी में ग्रीस कर लिया है।
अब हम बैटर में इनो को डालेंगे। इनो को एक्टिव करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसे फटाफट से ऐसे मिक्स करेंगे। देखिए इनो हमारी अच्छी तरह से मिल चुकी है। अब हम इस बैटर को पतीले में डाल देंगे। अब हम बैटर के ऊपर ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे। इडली की छांच में पानी हमारी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। अब हम ढक्कन खोलकर इसमें केक के बैटर को रख देंगे और इसको हम ढककर 20 से 30 मिनट के लिए पकाना है। गैस की फ्लेम को मीडियम में रखकर 20 से 25 मिनट के लिए इसे पकाना है। केक को पकाने में 20 से 25 मिनट हो चुकी है। अब हम ढक्कन खोलकर देखेंगे कि केक हमारी अच्छे से पकी है कि नहीं। अब हम चाकू में चेक करेंगे। देखिए चाकू में कुछ नहीं लग रहा है, इसका मतलब हमारा केक अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। केक हमारी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम केक को एक प्लेट में निकाल देते हैं। केक को मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है। अब हम इसको कट करेंगे। केक की कटिंग हो चुकी है। देखिए केक हमारी बहुत ही स्पंजी बनी है। अगर आप सबको आज का रेसिपी अच्छा लगा है तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।